हंगामा और उपद्रव केवल संसद के अंदर ही नहीं हुआ बल्कि कुछ लोगों ने संसद के बाहर भी अराजकता फैलाने की कोशिश की और जिन जगहों पर आम लोगों के लिए कई पाबंदियां रहती हैं उन जगहों को कुछ लोगों ने रंगीन धुएं के होबार से दहशत फैलाने की कोशिश की। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि संसद के अंदर और बाहर हंगामा करने वाले आखिर कौन लोग हैं। तो संसद के अंदर और बाहर बवाल करने वालों में मुख्य रूप से चार किरदार हैं। कर्नाटक के मैसूर से आए दो लड़कों ने संसद के अंदर गदर काटा तो हरियाणा से आई एक महिला और महाराष्ट्र से आए एक लड़के ने बाहर हंगामा कर माहौल खराब किया। आज जब संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन देश आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने वाले अपने वीर सपूतों को याद कर रहा था, ठीक उसी दिन चार लोगों ने एक बार फिर से उन हमलों के खौफ को दोहराने की असफल कोशिश की। आज दोपहर 1 बजे के करीब 15 मिनट के अंदर संसद के अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो हंगामा हुआ उसके चार मुख्य किरदार थे और उन चारों ने संसद में दहशत फैलाने का पूरा प्लान करीने से तैयार किया था। संसद के बाहर एक महिला और युवक ने नारेबाजी की और धुएं वाला पटाखा छोड़ा। महिला का नाम नीलम है और वो हरियाणा के जींद की रहने वाली है और फिलहाल वो हिसार में रहकर पढ़ाई कर रही थी। नीलम कल अपने घर से हिसार जाने की बात कहकर निकली लेकिन वो हिसार की जगह दिल्ली पहुंच गई। ये नीलम का मैं छोटा भाई हूँ, वो हिसार में स्टडी करती है, वो किसी पार्टी वगैरह से कोई जुड़ी हुई नहीं है अभी तक। तो हमें तो जहाँ तक पता है कि कोई पार्टी वगैरह कोई लफड़ा नहीं है। फिर उसने आज संसद में ऐसा क्यों किया वो पता नहीं सर, वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं। तो आपकी कैसे पता लगा? वो तो मैंने बड़े भाई का फोन आया था तो उसने टीवी पे देखा होगा। नीलम के साथ संसद के बाहर गदर काटने वाले दूसरे व्यक्ति का नाम अमोल शिंदे है, वो महाराष्ट्र के लातूर जिले का रहने वाला है। इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन दोनों से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में पूछताछ कर रही है। पुलिस की इंटेलिजेंस ब्यूरो टीम भी उनका मकसद जानने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आप देखिए कि जो कलर स्मोक है उसका इस्तेमाल जिसका किया गया था, ये कलर स्मोक है और इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको बता दें कि यहाँ पर काफी धुआं हो गया था, कई कलर के यहाँ पर धुएं का इस्तेमाल किया गया। संसद भवन के बाहर और ट्रांसपोर्ट भवन के सामने हुई इस घटना के बाद फोरेंसिक टीमों ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। कलेक्ट किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले को बड़ी ही गंभीरता के साथ ले रही है क्योंकि जिस तरीके से दो लोग यहां सबसे पहले पहुंचे, यहां पर उन्होंने दो कलर के जो कलर स्मोक है उसका इस्तेमाल किया और उसका इस्तेमाल करते ही यहां पर काफी धुआं हो गया। संसद के अंदर जिन दो लोगों ने उपद्रव मचाया उनके नाम है सागर शर्मा और मनोरंजन। सागर और मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर जिले के रहने वाले हैं और दोनों की संसद की दर्शक दीर्घा में एंट्री मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की अनुशंसा पर जारी किए पास के जरिए हुई थी। एक सिक्योरिटी को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक संसद भवन के अंदर किया गया है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने किया है। ये निर्णय किया गया, खुद लोकसभा स्पीकर की तरफ से ये कहा गया कि विजिटर्स पास जो बनते हैं वो विजिटर पास नहीं बनाए जाएंगे। संसद में भी रंगीन धुएं छोड़ने वाले सागर और मनोरंजन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है लेकिन इससे पहले सांसदों ने संसद के अंदर ही दोनों की तबीयत से कुटाई भी की। आरोपियों के परिवार वाले इनकी हरकतों पर शर्मिंदा हैं। वो गलत है, ऐसा काम कोई बच्चा ऐसा एक करने का काम, ये गलत का काम है, ये करेंगे तो ये सच्चा काम करना। हालांकि संसद के अंदर और बाहर जिन लोगों ने हंगामा किया है उनका आपस में किस तरह का संबंध है इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन इस बीच बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा है।
इधर सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व सांसदों और सांसदों के निजी सहायकों के संसद भवन में एंट्री पास कैंसिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।